खबर छुपी नहीं, आपकी खबर तेज और सार। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी गरीबों में वितरित हो रहा खाद्यान्न विभागीय लापरवाही से गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब गरीब शिकायत लेकर साहब के पास पहुंचते हैं तो शुरू होती है जांच, फिर भी नहीं होती है कार्यवाही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर महीने होती है मॉनिटरिंग और सत्यापन तो क्यों लगता है राशन न मिलने का आरोप? इसे विभागीय लापरवाही कहें या कोटेदारों से गठजोड़? ऐसा ही एक मामला हरैया तहसील के करम डांडे गांव का, जहां गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले कोटेदारों पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। और कुछ ऐसे भी निरंकुश कोटेदार हैं जिनकी कार्यशैली से सरकार का सिस्टम भी बदनाम हो रहा है। ऐसे ही एक भ्रष्ट कोटेदार हैं मनोरमा देवी के जेठ भरतलाल की दबंगई के चलते गरीबों को उनके हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। इन महाशय का जिस तरह का नाम है, काम उसके ठीक उल्टा है। सरकार गरीब और पात्र लाभार्थियों को राशन देने के बजाय खुद खा जाते हैं। हरैया विकास खंड के करम डांडे गांव के कोटेदार के खिलाफ एसडीएम हरैया के कार्यालय पर पहुंचकर सैकड़ों शिकायतकर्ता व कार्ड धारकों ने न्याय की गुहार लगाई। कि हर महीने हमारे लोग को राशन देने में दिक्कतें करता है, जिस तरह की कोई बात मतलब लाइन से पहली बार तो दे नहीं पाता है और हर महीने ये किसी राशन को नहीं देता और किसी किसी दबंगियों को लोग को दे देता है। और दबंगियों फोन करता है, किसी का नाम नहीं दे सकते, ना नाम जानते हैं। कितना दिन से राशन लूट लेगा, राशन कौन लूट लेगा उसका? कितना दिन से राशन नहीं दे रहे हैं ये? आज ये 2 महीना हो गया राशन नहीं दिया है। जो फ्री वाला राशन सरकार दे रही थी उसको नहीं दिया है। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का नाम बताओ। क्या नाम? मनोरमा देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुद्ध निषाद है। नहीं भैया, एक मिनट शांत रहो। दादी कहाँ आई हैं आप? राशन लेकर दिनार दूधा उठा लगवा ली ना, उस दिन आया। कितनी बार उठा लगवाए हैं? दूधा लगवाए हैं उठा और राशन दे। क्या कहते हैं? तो कहाँ आई हैं आप? राशन लेकर। राशन लेकर? अरे किस जगह पे आई? तहसील। तो तहसील में राशन थोड़ा मिलता है? एसडीएम साहब से मुलाकात हुई? एसडीएम साहब से? क्या तो क्या हुआ, राशन कितना दिन से नहीं मिल रहा? कितना दिन से नहीं मिल रहा? 3 महीना हो गया नहीं मिला। तो क्या अंगूठा अंगूठा लगवाते हैं कि नहीं लगवाते? लगवाए। आपका अंगूठा लगवा लेते हैं, उसके बाद नहीं दे रहे? दबंग कोटेदार है? नहीं, सिंगल है। सिंगल है? कोटेदार दबंग है, बदमाश है? नहीं, बदमाश तो नहीं है। तो क्यों नहीं दे रहा? तो यहाँ क्या करने आए? क्या नाम है आपका? आए हैं सर, हम यहाँ पर दरखास्त देने आए हैं, हमको कोटा नहीं मिलता समय से। क्या समस्या आती है? समस्या ये आती है कि वो हमारा 35 किलो और 35 किलो में हमको 32 किलो 35 किलो देता है, उसके बाद समय से नहीं देता। कभी 6 तारीख देता है, कभी 7 तारीख, कभी बताता नहीं है। कभी कभी अंगूठा घर पे लगा के जाता है, कहता है कि कल देंगे परसों देंगे, उसके बाद कहता है खत्म हो गया कोटा। कितना दिन से आपको राशन नहीं मिला? सर हमको 3 महीने हो गया नहीं मिला। अब की बार कहता है कि बिल्कुल नहीं देंगे, सुझे कहता है नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? ये हमारा मणिराम साध नाम। कोटेदार का क्या नाम है? उनका नाम है मनोरमा देवी, जराते हैं भरतलाल। कौन सा गांव? अगर इनकी बात पर यकीन किया जाए तो इस कोटेदार से बड़ा भ्रष्ट कोई और नहीं हो सकता। कोटेदार मनोरमा देवी व उनके जेठ भरतलाल पर आरोप है कि पात्रों का अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं देना और कुछ पात्रों के बिना आए उनके नाम पर राशन निकल जाना आम बात है। लोगों ने बताया कि इस कोटेदार के भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जबरन अंगूठा लगवा लेता है और बाद में नेटवर्क कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा बहाना करके 3-3 माह का राशन गरीबों का डकार जाता है। यह दबंग कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डालने पर आमादा रहता है। शिकायत करने पर कहता है कि जहां तुम लोगों को शिकायत करनी है जाकर करो, ऊपर भी सभी पैसा लेती है। इसके संबंध में भी आज कुछ ग्रामीणों ने मुझे बताया है, एप्लीकेशन दिया है, तो इसकी जांच के लिए मैंने सब इंस्पेक्टर को बता दिया है और आज ही जांच हो जाएगी और अगर ऐसी गलती पाई जाए तो खिलाफ कार्रवाई होगी।
ऐसे बहुत कोटेदार हैं सर, जो अंगूठा लगवा लेते हैं उसके बाद राशन वितरित नहीं करते हैं, कह देते हैं नेटवर्क नहीं है। सर इसमें कुछ आपके द्वारा और भी कार्रवाई की जाएगी? इनका सत्यापन होता है, अच्छी कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो आप लोग बताएंगे या कहीं से भी जांच कराकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम हरैया ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, मगर ग्रामीणों का कहना कि बार बार जांच कार्रवाई और फिर नतीजा जीरो से ये लोग तंग आ चुके हैं और अब उन्हें इस भ्रष्ट कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही चाहिए, नहीं तो कोटेदार से परेशान पूरा गांव एक बड़े प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।